श्रीवी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदा और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाजों के मुताबिक ऑडियो वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावरीउल्ला नगर, कैंपस 2 रहमत चौक, फोन 02133661749, 02136406946। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आवर न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर कन्वर्सेशन, पेज नंबर 17। कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? हम क्लास बात करना, यानी कि किसी दो शख्स के दरमियान जो भी बात होती है, अब बात करने को हम क्या कह रहे होते हैं? कन्वर्सेशन। इस पेज में, यानी कि पेज नंबर 17 पे जो आपका चैप्टर है कन्वर्सेशन, उसमें आप देख सकेंगे यहाँ पे क्या मौजूद है। एक कैट मौजूद है, और वो कैट जो है वो किससे बात कर रही है? एक माउस जो कि कहाँ पर मौजूद है? अपने घर के अंदर मौजूद है। और वो कैट जो है उसे प्यार से इस चैप्टर कहने के प्यार से क्या कह रही है? माउस को, चूहे को, जिसे हम कहते हैं माउस ही कह रही होती है, ठीक है। इस चैप्टर को, यानी कि ये एक पोयम है जो कि किसने लिखा है? रोज़ फेलिमेन ने। उन्होंने क्या लिखा है इस पोयम में कि दो पोयम, मतलब कि कैट और माउस दोनों के बारे में, दोनों की जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बात हो रही है, उस बारे में वो कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है? माउसी माउसी, वेयर इज़ योर लिटल वी हाउसी, हियर इज़ द डोर अंडर द फ्लोर, सेड माउसी माउसी। यानी कि जो कैट थी वो क्या कह रही है? माउस को प्यार से माउसी बुला रही है, और उससे क्या पूछ रही है? वेयर इज़ योर लिटल वी हाउसी, यानी कि तुम्हारा छोटा सा घर कहाँ पर है? हाउस को भी वो प्यार से क्या कह रही है? हाउसी कह रही है। तो जवाब में जो माउस जो है, जो कि अपने घर पर मौजूद है, वो क्या कह रही होती है? हियर इज़ द डोर, ये रहा घर, या मतलब कि घर के जो दरवाज़ा है वो यहाँ पर है, और अंडर द फ्लोर, और वो ज़मीन के अंदर है। सेड माउसी माउसी, कौन जवाब में कह रही है? माउसी माउसी माउसी, मे आई कम इन टू योर हाउस। माउसी यानी कि कैट जो है उससे बात करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ? यू कॉन्ट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेड माउसी माउसी। और माउसी जो है वो जवाब में, मतलब कि प्यार से क्या कह रही होती है? नहीं, तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें अंदर आने के लिए क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा। माउसी माउसी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउस, क्या मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता? आई एम सॉरी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउस, क्या तुम मुझे अपने घर में नहीं बुलाई, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता, या फिर तुम घर से बाहर आ जाओ? आई एम सॉरी टू से, तो फिर इस पे माउसी जो है जवाब पे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ, आई एम बिज़ी ऑल डे, मैं पूरे दिन क्या रहती हूँ? मसरूफ़ रहती हूँ। सेड मौसी मौसी, कौन जवाब में कहती है? यानी कि वो माउस कह रहा होता है। इस पोएम में कन्वर्सेशन क्या हुई कि एक बिल्ली है, बिल्ली क्या है अपनी, मतलब उसका जो खुराक है वो क्या होता है? वो इससे खाती है ज़्यादा चूहे को, तो वो चूहा जो है उससे प्यार से उसको अपने बातों में वो कर रहा था, और करने के बाद वो क्या कर रहा होता है? उस माउस को बाहर बुलाना चाहता है, और बाहर बुला के वो उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो माउस जो है वो उससे भी ज़्यादा चलाक होती है, वो बाहर नहीं आती, और क्या कहती है जवाब में कि मैं पूरे दिन मसरूफ़ रहती हूँ और मैं बाहर नहीं आ सकती। तो माउस कहता है कि चलो तुम बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आ जाऊँ, तो कहती है कि अगर तुम अंदर आओगे तो मैं अंदर आने के लिए क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा। एक एक फ़नी पोएम है जो किसने लिखी है? रोज़ फेलेमेन ने। कन्वर्सेशन जो कि किसके दरमियान थी? माउस और कैट के दरमियान थी। चैप्टर नंबर 4, हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है कन्वर्सेशन, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ।